लायंस और हाइनास के बीच की दुश्मनी काफी गहरी है और यह सदियों से चलता आ रहा है। यह नेचर के ग्रेटेस्ट राइवलरी का जीता जागता एग्जाम्पल है। अफ्रीकन सवाना में एनिमल्स के डेड कार्कस या फिर शिकार को लेकर दोनों ही जीवों के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है और इसी पे कई शानदार डॉक्यूमेंट्रीज भी नेशनल ज्योग्राफिक ने बनाई है। उनमें से ही एक है इटर्नल एनिमीज, लायंस एंड हाइनास। लेकिन दुश्मनी इतनी ज्यादा गहरी हो जाए कि हाइनास को देखना तक ना पसंद हो, यह थोड़ा अजीब जरूर है। पर एक ऐसा ही लायन बोट्सवाना के जंगलों में रहता था जिसे हाइना किलर के नाम से जानते थे और इसका नाम था एंटवाडा मेला, ही हु ग्रीट्स विथ फायर, यानी आसान भाषा में कहें तो ज्वालामुखी। आज हम जानेंगे द मोस्ट डेंजरस हाइना किलर ऑफ द हिस्ट्री। इस शेर का अंत कैसे हुआ और क्यों इसे हाइना किलर कहते थे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। वेल, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अरोरा ऐप ने, जो एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है और काफी अच्छी अर्निंग आप इससे कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है। रजिस्टर करने के बाद आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं। उस 100 रुपीज़ की मदद से आप मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक वेयर हाउस का ऑप्शन है, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट बना सकते हैं। इस ऐप को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। 500 रुपीज़ जब आपकी हो जाएगी तब आप उसे इजीली विथड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube या फिर Google में सर्च कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सवूटी के बोट्सवाना मार्शलैंड में दोपहर का समय था। चारों तरफ हवा में अनगिनत शिकार का महक फैल रहा था। इसी बीच एक मांडेवू नाम का शेर अपने प्राइड से दूर पेट्रोलिंग पर निकलता है, वह भी अपने भाई एंटवाडा मेला के बिना। लेकिन थोड़ी दूर पर ही उसे एक हाइना दिखता है जिसे मैट्रिया कहते हैं, जो अपने क्लैन की लीडर थी। दोनों ही जीव एक दूसरे के दुश्मन थे। जल्द ही जंग शुरू होने वाली थी और इसकी गवाही दो शेरनी अपने आंखों से देने वाली थी। माओमी, जो प्राइड की सबसे डोमिनेंट लायनेस थी, और प्राइड की बेटी माटसुमी। वेल, बताना चाहूंगा ये माटसुमी सैवेज किंगडम वाले माटसुमी से अलग है। अगर अभी तक आपने सैवेज किंगडम सीरीज की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। यहां अभी अभी क्लैन की लीडर बनी हाइना मैट्रियाक मांडेव को परेशान कर रही थी, उसे बार बार टॉन्ट मार रही थी और मांडेवो के सामने सेंट मार्किंग कर रही थी। हाइनास और लायंस के बीच क्रॉस सेंट मार्किंग अनयूजुअल तो था ही, पर हाइना मैट्रियाक जो कर रही थी वो काफी ज्यादा अनयूजुअल था। वह खुलेआम मांडेवो को चैलेंज दे रही थी और वह चारों तरफ से अपने क्लैन के साथ मिलकर उसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही थी। मांडेवो एक बहुत ही बड़ा और शानदार शेर था, बट वह अभी अकेला था और हद से ज्यादा टॉर्चर को ना झेल पाने की वजह से और हाइनास की बढ़ती संख्या को देख मांडेवो वहां से भाग जाता है। और उसके जाते ही माटसुमी, प्राइड की सबसे शातिर शिकारी, प्राइड की शेरनियों को लीड करते हुए हाइना मैट्रियाक के पास पहुंच जाती है, जहां मैट्रियाक की आर्मी घूम रही थी। माटसुमी जाते ही क्लैन के सबसे कमजोर 2-4 हाइनास पर अटैक करती है ताकि मैट्रियाक डरे, पर मैट्रियाक पर कोई असर नहीं पड़ता है। माटसुमी को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह मैट्रियाक की तरफ दौड़ जाती है। दूर कहीं एंटवाडा मेला पेट्रोलिंग कर रहा होता है और जब उसे हाइनास की आवाज सुनाई देती है वह घटना स्थल पर पहुंच जाता है। आते ही वह तुरंत माटसुमी के साथ मिलकर मैट्रियाक के शिकार में जुड़ जाता है। माटसुमी तेजी से भागती है और अपने तेज पंजों से हाइना के पिछले पैर पर वार करती है, जिससे मैट्रियाक जमीन पर गिर जाती है। तभी एंटवाडा मेला चार्ज संभालता है। तब तक मैट्रियाक के लिए काफी देर हो चुकी थी, उसका एंटवाडा मेला के चुंगल से छूट पाना नामुमकिन था। कुछ ही सेकंड्स में उसके गर्दन तोड़कर एंटवाडा मेला उसे मार डालता है।
धीरे धीरे एंटोआडा मेला हाइना किलर के नाम से जाना जाने लगा। उसे हाइनास से इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि वो हाइनास को मारने के लिए शिकार तक को छोड़ देता था। मैट्रिया के मरने से क्लैन का सोशल स्ट्रक्चर बदल चुका था। अब कई महीने लगेंगे क्लैन में नई मैट्रिया को जगह बनाने के लिए। खैर, अगर एंटोआडा मेला की बात करें तो वह किस तरह का लायन था एक हाइना किलर के अलावा। भले ही वह अपने भाई मांडेवू से छोटा था, मगर वह अपने समय का सबसे शानदार शेर था। प्राइड में सबसे एक्टिव रहता था और शिकार के दौरान चाहे बफेलो हो या एलिफेंट हो, सबसे पहला हमला यही करता था। प्राइड पर कोई भी मुसीबत इससे होकर गुजरती थी। इसे जरा भी इस बात का डर नहीं होता था कि इतने बड़े जीवों पर अटैक करने से यह भी जख्मी हो सकता था। मांडेवू और एंटोआडा मेला प्राइड में कॉन्फिडेंटली रहकर अपने इलाके पर कई सालों से राज कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बूढ़े बंजारे शेर को प्राइड में जगह दी अपने बाकी के बचे दिनों को गुजारने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बंजारे शेरों का गठबंधन प्राइड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मांडेवू और एंटोआडा मेला को प्राइड छोड़कर जाना पड़ा। बंजारे शेर भरोसे के लायक नहीं होते हैं। वे प्राइड को तहस नहस करके चले गए। दोनों ही भाइयों के ना होने से माओमी की प्राइड पूरी तरह बिखर गई। माटसुमी ने हर मुमकिन कोशिश की प्राइड को बांधे रखने की, वह भी बिना मेल लायंस के, पर एक बफेलो हंट के दौरान वह जख्मी हो गई और मारी गई। कुछ दिनों बाद ही माओमी भी बुढ़ापे और स्टारवेशन से मारी गई। दोनों भाई इधर बंजारों की जिंदगी जी रहे थे। वह सवूटी में उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इन्हें उन इलाकों से भी गुजरना पड़ रहा था जहां सरकार ने शिकार की अनुमति दे रखी थी। साल 1991 में ट्रॉफी हंटिंग गेम की वजह से दोनों भाई शिकारियों के हाथों मारे गए और इस तरह लंबे समय तक राज करने वाले ये दो लेजेंडरी शेर हमेशा के लिए चल बसे। हंटिंग विद मून द लायन ऑफ सवोटी बुक के लेखक लिखते हैं, जब भी एंटोआडा मेला की स्किन किसी नई दुकान की दीवार पर लटकती है, उस ऑनर को कोई आइडिया नहीं होता है इस लेजेंडरी लायन किंग के बारे में कि यह कितना खतरनाक था। दूसरे लायन से फाइट, शेरनियों से मेटिंग, एलिफेंट और बफेलो जैसे शिकार से अकेले भिड़ जाना और हाइनास के खून से प्यास बुझाना, यह सब उसकी मुरझाई खाल में कभी नहीं दिखेगा। यह शेर काफी अलग था। यह था एंटोआडा मेला, ही हु ग्रीट्स विद फायर, और ये हमेशा हमें याद रहेगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।